सो गाइस अभी आ गया हूँ मैं छतरपुर मेट्रो। अभी छतरपुर मेट्रो से जस्ट बाहर निकला हूँ और अभी हम यहाँ से जाएंगे छतरपुर टेम्पल, जो कि आज वहाँ का ब्लॉग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलते हैं अभी ब्लॉग एक्सप्लोर करते हैं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज आ गया हूँ आप लोग के लिए न्यू ब्लॉग लेके छतरपुर। तो अभी मुझे छतरपुर मेट्रो स्टेशन से बाहर आया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ छतरपुर मंदिर की तरफ। तो आज चलते हैं छतरपुर मंदिर का ब्लॉग एक्सप्लोर करते हैं, आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं। अभी तो मैंने भी नहीं देखा मंदिर है कैसा अंदर से, तो वही देखने के लिए आज आया हूँ छतरपुर। तब जिस मैं जा रहा हूँ तो आपको चल के दिखाते हैं मंदिर का भी अंदर से। सो गाइस सभी देख रहे हो मंदिर के सामने आ गए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो एक मंदिर इस साइड है एक इस साइड है। तो अभी आगे को जाएंगे, एंट्री करेंगे, एंट्री करके अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। बाकी आप लोग देख रहे हो मंदिर काफ़ी बड़ी है यहाँ पर और ये हनुमान जी की मूर्ति आपको सामने दिख रही है। तभी चलते हैं आगे से एंट्री करते हैं, फिर अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं आपको। तो देख रहे हो एक मंदिर ये है, अभी आगे से एंट्री पॉइंट की तरफ से एंट्री करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये गेट नंबर 3, अभी गेट नंबर 3 पे है। गेट नंबर 1 से एंट्री करके अंदर चलते हैं, अंदर का दिखाते हैं। फिर वहाँ के सूज जमा कर लिया है, टोकन ले लिया है, तो टोकन जमा करके सूज जमा करके चलते हैं इधर एंट्री करते हैं। सूरज देखो अभी मंदिर के अंदर आ गए हैं और मंदिर के अंदर कभी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी इस बाहर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी इसके अंदर चलते हैं, अंदर दिखते हैं अंदर कैसा क्या है। सूरज देख रहा अभी मंदिर के अंदर आ गया मैं, अभी ज़रा भी यहाँ पे क्राउड नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड, मुझे ज़्यादा क्राउड होगा बट अभी यहाँ पर ज़रा भी क्राउड नहीं है, जो कि आप लोग देख रहे हो एकदम काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है यहाँ पर, लोग कैसे आके बैठे हुए हैं। जी हाँ देख रहे हो दुर्गा माता का अन्य कच्छ बना हुआ है, ये अन्य कच्छ बना है, ये अन्य कच्छ है जो कि बना हुआ है। अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है देखने के लिए। सुबह देख रहे हो काफ़ी बड़ा मंदिर है ये, जो काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है। आप लोग देख रहे हो अभी ये छोटे से एरिया में घूम रहा हूँ, मतलब जैसे आगे जाएंगे आगे और भी बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अभी हम सीधे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की ओर, ऊपर देखते हैं क्या है यहाँ पे देखने के लिए। बस अभी अंदर आ गए हैं, अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो अंदर का मैंने वीडियो सही से बना नहीं पाया, बट फिर भी थोड़ी वीडियो बना लिया है जो कि आप लोग देख ही रहे हो। तो गाइस अभी देख रहा हूँ उस साइड से होकर हम दूसरे साइड आ गए हैं। अभी दूसरे साइड की मंदिर है, इधर देखने आ गए हैं, देख रहे हो आप लोग कैसे यहाँ बना हुआ है। सभी सो गाइस अभी उस साइड से होकर दूसरे साइड आ गए हम मंदिर के, आप लोग देख रहे हो ये दूसरे साइड का व्यू है। यहाँ पे अंदर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ये गार्डन टाइप का ये बना हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो आप लोग। और ये सामने एक और मंदिर है जो कि दिख रही है सामने है, और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो जैसे अंदर आते हैं यहाँ पे फिर एक मूर्ति है माता जी की, जो कि यहाँ पे दर्शन करके अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। पर क्राउड है नहीं कुछ, मुझे भी समझ में कहाँ पे क्या है, मैं फिर भी घूम रहा हूँ, भी देख रहा हूँ यहाँ पे कि कहाँ पर कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या देखने को मिलता है अभी। सो देख लो पास से मंदिर ऐसे दिख रही है यहाँ पे, ये तभी ऊपर चलता हूँ, ऊपर देखता हूँ मैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो अभी आ गया मंदिर के अंदर बैठा हूँ मैं, जैसे ये मेरे पीछे का व्यू है। तो भी ये बंदे काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है, क्राउड भी कम है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे घूमने के लिए, बट फिर भी हम आपको जो भी हो सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो पर। तो फाइनली मंदिर ओपन हो गई और मंदिर के अंदर मैं आ गया हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मंदिर का अच्छा अंदर का व्यू कितना अच्छा है, कितना प्यारा लोकेशन लग रहा है आप, इसका छत का डिज़ाइन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे अभी यहाँ पे हो लिया है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा क्राउड कम है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बंद भी है, तो कहीं भी जाना अलाउड भी नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे घूम लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं आगे, जो हनुमान जी की मूर्ति आपको दिख रही थी उस साइड चलते हैं, आपको वहाँ का दिखाते हैं। आखिर भी जैसे बाहर निकलते हैं सोच लेते हैं, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट मंदिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी रेस्ट हो लिया यहाँ पे, तो दर्शन वर्शन कर लिया है, अभी चलते हैं हनुमान मंदिर की ओर, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी आप लोग को तो आई होप अच्छा लग रहा होगा देखकर, बाकी आपको कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताओ।
तो यहाँ पे देख लो ये सारी चीज़ें बनी हुई है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये चालू नहीं है, इसमें पानी वानी आया नहीं, पानी बहता है इससे, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। देखो अभी सूखा हुआ है ये और जब चालू होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, नाइट का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ का। बस देख लो हम आ गए हैं दूसरे साइड मंदिर की ओर, जो कि यह काफ़ी ज़्यादा लोकेशन मुझे अच्छी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी लोकेशन भी है। तो अभी जस्ट अंदर आए हैं इस साइड, अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। आगे हनुमान जी की मंदिर है, तभी उस साइड भी चलेंगे, उस साइड भी दिखाते हैं आपको। मैं पिछली लोकेशन है, ये लोकेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तभी जा रहा हूँ इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने। तो उसके बाद ये लोकेशन है, यहाँ पे काफ़ी सारी लोकेशन है जो कि सभी को एक्सप्लोर करता है। तो देख लो पास से आने पे ये लोकेशन कैसी दिख रही है, कितनी प्यारी लोकेशन है, कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। तो भाई कहीं कहीं पे वीडियो बनाना फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे आपको वीडियो में दिखा नहीं पा रहा, तो भी आगे देखते हैं ऊपर, ये सीधे जा रहा हूँ ऊपर, देखता हूँ क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे फ़ोटो वीडियो अलाउ है तो आपको बना कर दिखाता हूँ, बाकी जो हो सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो पर। तो बस देख लो यहाँ ऊपर आने पर अंदर कुछ ऐसा व्यू दिखता है यहाँ पर, यहाँ पर चारों तरफ मूर्ति लगी हुई है जो कि आप लोग देख रहे हो, ये चारों तरफ ऐसे मूर्ति लगी हुई है, अब बीच में ये शंकर भगवान का शिवलिंग बना हुआ है। ये भी देख रहे हो आप लोग, तो भाई अभी यहाँ वीडियो देख लिया है, यहाँ पर व्लॉग चेक कर लिया, यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं, तो अभी चलते हैं आगे की ओर, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो वैसे देख रहे हो बीच में गार्डन टाइप का बना है, यहाँ पे घंटी बनी हुई है, देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर तो हो लिया हमने, तो अभी इस साइड जा रहे हैं, इस साइड देखते हैं क्या देखने को मिलता है। सो भाई सभी आ गए हैं, ये हनुमान जी का मंदिर देख रहे हो, तभी यहाँ पे आ गए हैं, तभी यहाँ पे सूर्य वूज उतार के अंदर चलेंगे, अंदर एक पास से देखते हैं, फोटोस वोटो क्या करते हैं। सो भाई देख रहे हो अभी आ गया हनुमान मंदिर के पास, जो कि आप लोग देख रहे हो छतरपुर में काफ़ी फेमस लोकेशन है, जस्ट मैं आके वहीं पे खड़ा हूँ, और ये आसपास का लोकेशन आप लोग देख रहे हो अंदर का कैसा लोकेशन है। तभी काफ़ी धूप हो रखी है और मैंने सूज उतार दिया, तो काफ़ी देर में पाँव जलने लग गए, तभी चलते हैं आगे। तो भाई भाई घूमते घूमते आ गए हनुमान मंदिर, और यहाँ मिल गए भाई एक, भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रांत सूरी, विक्रांत सूरी है, जो कि भाई भी अकेले थे, मैं भी अकेला था, इसलिए हम लोग बोलो कि चलो दोनों मिंगल होकर घूमते हैं। तो दोनों लगा भाई अभी आ गए हनुमान मंदिर के पास, देखो आप लोग तभी यहाँ पर दोनों लोग फोटो शूट वगैरह कर रहे थे, भाई भी अकेले थे मैं भी, तो सोचा साथ में घूमते हैं एंजॉय करते हैं। भाई लोग देख रहे हो त्रिशूल जो कछुए बना है, ये देख लो, मैंने इसे अभी जस्ट नोटिस किया, जस्ट निकल रहा था यहाँ से, तब इतने टाइम से मैंने नोटिस नहीं किया। फाइनली गाइस मंदिर घूम लिया है और ब्लॉग बना लिया है, तो जो भी लोकेशन थी आपको सभी लोकेशन दिखा दिया है, अब आपको कौन सी लोकेशन अच्छी लगी आप लोग कमेंट करके बताओ, और वीडियो कैसा रहा, ब्लॉग कैसा रहा, ये सारी चीज़ें कमेंट करके बताओ, और जो कोई भी आना चाहता है यहाँ पे वो आके छतरपुर टेम्पल विजिट कर सकता है, और जो कोई भी आ चुका है मुझे कमेंट करके बताओ उसका फेवरेट लोकेशन क्या है। बाकी ऐसे ही ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, आई होप लोग आपको अच्छा लगा होगा।